एवरीवन, ब्यूटी नाइट में आपका स्वागत है। मैं कल्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वैसलीन पेट्रोलियम जेली हमारी स्किन के लिए अच्छी है और साथ ही हम कितनी सारी चीजें एक पेट्रोलियम जेली से कर सकते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल भी है और साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी और कुछ चीज मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो और बेल बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का। तो दोस्तों नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और अमेजिंग 5 हैक्स मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी जो आप एक वैसलीन पेट्रोलियम जेली के साथ कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसलीन पेट्रोलियम जेली की। ये जो बॉटल है बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, इतनी छोटी वाली भी आती है इसमें बॉटल, इतनी बड़ी वाली भी आती है। तो इतनी जो छोटी वाली है वो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसलीन पेट्रोलियम जेली आखिर होता क्या है, क्यों इतने सालों से वैसलीन पेट्रोलियम जेली चलता आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगी अबाउट वैसलीन पेट्रोलियम जेली, इज कि इसका इन्वेंशन हुआ था 1800 में, मतलब इस सेंचुरी में भी नहीं, आज से 2 सेंचुरीज पहले, मतलब कितने साल हो गए, आई गेस 150 से ऊपर साल हो गए हैं वैसलीन पेट्रोलियम जेली को इन्वेंट हुए। तो आप सोचिए दोस्तों, जो एक एक प्रोडक्ट जो इतने सालों से चलता आ रहा है और जो इतना अफोर्डेबल है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो हमें क्यों इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो इसका प्राइस देख के नहीं नहीं वैसलीन नहीं, हमें कोई अच्छा लिप बाम चाहिए। अरे नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर कोई चीज़ इतने सालों से चलती आ रही है तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने करोड़ लोगों ने उसको यूज़ किया है और आज भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उसके कितने अच्छे फायदे होंगे। तो दोस्तों वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो होती है वो बनती है मेन पेट्रोलियम नाम के एक इंग्रेडिएंट से। अब पेट्रोलियम आप सही सोच रहे हैं, जो हमारा पेट्रोल डीजल वाला पेट्रोल होता है वही पेट्रोल, बट जो हम गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं वो डिफरेंट हो जाता है, और जो इस जेली में यूज होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल होता है जो साइंटिफिकली टेस्टेड है, और उसके बाद ही वैसलीन ने उसे इस्तेमाल किया है इस पेट्रोलियम जेली को बनाने के लिए। तो इस ये जो पेट्रोलियम जेली होती है ये बहुत सारे वैक्सेस और मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम, इन सारी चीजों को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल, जो आपकी स्किन को सील करता है और आपकी स्किन को एक तरीके से आप कह सकते हैं वाटरप्रूफ बनाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जब आप अपनी स्किन पर इस पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप कितना भी पानी डाल ले वो पानी फिसल जाएगा। तो दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली आपकी स्किन के लिए एक मैजिक है। आप इसे क्रैक, जो आपके हील्स हैं, मतलब अगर आपकी एड़ियां फट गई हैं आप उनका इलाज कर सकते हैं, आपके हाथ फट गए हैं या कहीं आपको रैशेस हैं, कहीं आपको चोट लग गई है, और साथ ही में आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इसके कई सारे फायदे हैं, तो उसमें से आज मैं आपको वैसलीन के 5 यूजेस दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको वैसलीन पे दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और वैसे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं और उसकी हिस्ट्री तो हमें पता ही होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री नहीं पता है आपको उस चीज़ की तो फिर उसे यूज़ करने में जो है ना वो वाला मज़ा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो चलिए अब हम पहले तो 5 यूजेस इसके देख लेते हैं, ठीक है। अब पहला हमारा यूज़ होता है, अगर हमारी लिपस्टिक मैट है और आप उसे ग्लॉसी बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी लिपस्टिक जो है मैट होके क्रैक होना स्टार्ट हो गई है और आप कैरी कर रहे हैं वैसलीन, तो आपको सिर्फ वैसलीन को लेना है और थोड़ा सा अपने लिप्स पर लगा लेना है इस तरीके से,
लो जी, बन गई हमारी लिपस्टिक ग्लॉसी एकदम। तो ये था हैक नंबर 1 जो आप अपनी लिपस्टिक के लिए यूज कर सकते हैं, वैसलीन का इस्तेमाल करके अपनी मैट लिपस्टिक को कुछ सेकंड्स में ग्लॉसी बना लो। और मजे की बात तो ये है कि ये लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक लास्ट करेगी। अगर आप अगर इसके ऊपर पानी भी आ जाता है तो पानी इससे फिसल जाएगा, लेकिन आपकी लिपस्टिक नहीं निकलेगी, क्योंकि वैसलीन पेट्रोलियम जेली का जो इंग्रेडिएंट है पेट्रोलियम, उसमें ऑयल्स और वैक्सेस मिले हुए होते हैं जो पानी को स्लाइड कर लेते हैं। पानी से जो है आपका कलर निकलेगा नहीं लिपस्टिक का, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मजे की बात है। चलो अब देखते हैं हैक नंबर 2 हमारा क्या है। तो गाइस, हमारा हैक नंबर 2 है आईब्रोज को आप कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास आईब्रो ब्रश है तो आप आईब्रो ब्रश का यूज करें, नहीं तो हम यूज कर सकते हैं इस ईयरबड का। और बस इस तरीके से जो है आपको इसे अपने आईब्रोज पर लगा लेना है, तो वो जो आईब्रोज के बाल खड़े हो जाते हैं वो खड़े नहीं होंगे, वो एक तरीके से जो है एकदम सेटल्ड हो जाएंगे। तो ये आप हैक अपने मेकअप में यूज कर सकते हैं। जब भी आपके आईब्रोज आप बना रहे हैं और बिल्कुल आईब्रोज खड़े ही होए जा रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये हैक जो है कमाल का है। क्योंकि वैसलीन तो आई एम श्योर कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में होगी, वैसलीन पेट्रोलियम जेली यार है ही इतनी सस्ती और अच्छी चीज, तो क्यों नहीं रखेंगे हम। ठीक है, अब ये था हमारा हैक नंबर 2। अब चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ जो है हमारे बालों के लिए। तो ये आप बालों में देख सकते हैं मेरे स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उसका कारण ये है कि मैं रोज़ जो है स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राई करती हूँ, तो ये स्प्लिट एंड्स आ गए हैं। मुझे आपको ये वीडियो दिखानी थी इसलिए मैंने अपना हेयर कट नहीं किया है अब तक, बहुत ही जल्दी हेयर कट भी हो जाएगा। तो इसे जो है थोड़ा सा यूँ लेना है और अपने हाथों पर लगा लेना है, और इसे नीचे जहाँ आपको स्प्लिट एंड्स है वहाँ इससे मसाज करनी है, तो ये आपके जो स्प्लिट एंड्स है उन्हें अच्छे तरीके से लॉक कर देगा। देखो कैसे स्ट्रेट हो गए एकदम और अच्छे, और शाइन भी कर रहे हैं साथ में। तो ये था दोस्तों इसका थर्ड हैक, थर्ड यूज। अब हम चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। वैसलीन पेट्रोलियम जेली एक बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। तो आप देख ही सकते हैं इतना सारा मेकअप मेरे मुंह पर है, अब इससे मैं अपना मेकअप निकाल लूंगी, इसे इस तरीके से जो आपको पूरे चेहरे पर लगा लेना, मस्त मसाज कर लीजिए। और दोस्तों इससे तो बहुत ही अच्छे से मेकअप रिमूव होता है, क्योंकि इसमें जो है मिनरल ऑयल्स हैं, और जहां आ जाते हैं ऑयल्स वहां तो मेकअप मिनटों में निकल जाता है बिल्कुल। वैसे दोस्तों पेट्रोलियम जेली आप अपने आईब्रोज को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही में अपने आईलैशेस बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस इन्हें अपने आईब्रोज और आईलैशेस पर लगा ले, एक डेढ़ महीने में आपको फर्क बिल्कुल दिख जाएगा। दोस्तों ये देखिए मेकअप जो अच्छे से निकल रहा है, और साथ ही में बहुत लोगों को मेकअप निकालते समय रैशेस आ जाते हैं रेड कलर के अब पूरे फेस पर, मुझे तो आते हैं हमेशा जब मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, तो इससे जो है आपको रैशेस भी नहीं आएंगे, आपकी स्किन जो है प्रोटेक्ट होगी रैशेस से।
अब इसके बाद जो है आप अपना फेस वॉश कर लें और ये हो जाएगा आपका हैक नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर चेहरा मेरा साफ हो चुका है एकदम, और चलिए अब बात करते हैं हैक नंबर 5 की। हैक नंबर हमारा 5 है, आप पेट्रोलियम जेली को एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं लूंगी और अपने चेहरे पर लगा लूंगी, और मेरी स्किन के लिए तो ये एक अमेजिंग मॉइस्चराइजर है बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करती हूँ, मैं वैसलीन पेट्रोलियम जेली कहीं दफा ऐसे ही अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ, या फिर मैं इसमें एक चम्मच जो है कोकोनट ऑयल मिला लेती हूँ और दोनों को डबल बॉयलर मेथड से गर्म कर लेती हूँ। मतलब एक बर्तन में जो है मैं गर्म पानी कर लेती हूँ और उसके ऊपर एक कांच का बोल रख के उसमें आधा चम्मच जो है वैसलीन और एक चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के एक मस्त सा मॉइस्चराइजर बना लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मुझे रोज वीडियोस बनाने होते हैं तो मैं रोज बहुत सारा मेकअप करती हूँ, इससे मेरी स्किन जो है ड्राई होती जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है मेरी स्किन। तो मैं रोज रात को जो है ये एक चीज यूज करती हूँ वैसलीन की कोकोनट ऑयल में मिला के, जिससे मेरी स्किन जो है सुबह एकदम ग्लो करने लगती है। तो दोस्तों मैं एकदम इस तरीके से जो इससे मसाज करती हूँ अपने चेहरे की 2 से 3 मिनट रोजाना, ताकि मेरी जो स्किन की ड्राइनेस है वो चली जाए और मेरी स्किन जो है स्पॉइल ना हो। दोस्तों ये ग्लो देखिए कितना सही आ जाता है इससे, और बिल्कुल भी है ना चिपचिपा नहीं फील होता है मुझे। लेकिन हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको चिपचिपा फील हो सकता है, तो आप उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा सकते हैं, मतलब वैसलीन पेट्रोलियम जेली और उसके साथ में एलोवेरा जेल जो है आप इक्वल क्वांटिटी में मिला लें, या फिर आप वैसलीन की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें और एलोवेरा जेल की ज़्यादा रखें, तो उससे भी है ना आपके चेहरे पर बहुत सही फ़र्क पड़ेगा। तो आप जो है इन हैक्स को ट्राई कीजिए और अगर हैक्स अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सेफ रहें, बाय।